सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप कैसे, अगर आपने मीशो पे ऑर्डर किया है तो आप कैसे ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं मीशो पे आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है, उसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मीशो कस्टमर केयर से बात करके ये पूछना चाहते हैं, कुछ भी अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप कैसे पता कर सकते हैं अपने मीशो एप्लीकेशन में जाके। सबसे पहले आपको अपने मीशो एप्लीकेशन में चले आना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे जो भी आपने ऑर्डर किया है। उसका जस्ट नीचे की तरफ आप देख सकते हो माय ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको माय ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप माय ऑर्डर पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपके ऑर्डर्स वगैरह यहाँ पर शो होंगे। जो भी ऑर्डर आपके पास में डिलीवर हो चुका है ऊपर दिखा देगा, और यहाँ पर नीचे की तरफ जो भी डिलीवर होने वाला है वो दिखा रहा है। सिंपली आपको उस ऑर्डर पर क्लिक करना है। यहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हो कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है, नीचे कैंसिल भी कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है हेल्प सेंटर, हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है। हेल्प सेंटर पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक कर देना है, वेयर माई ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ट्रैक पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हो। और नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है चैट। जी हाँ दोस्तों, आप ऑनलाइन सपोर्ट टीम से चैट भी कर सकते हो। अगर आपको कॉल पर बात करनी है तो सिंपली आपको कॉल में बैक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना नंबर पुट आउट करना है। जो भी आपका नंबर पर आपको कॉल बैक के लिए आपको नंबर देना है, वो नंबर यहाँ पर पुट करने के बाद सिंपली आपको कॉल बैक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हो, कुछ ही मिनट के अंदर, 4 से 5 मिनट के अंदर आपके पास में मीशो की तरफ से कॉल आ जाएगा। जो भी आपकी क्वायरीज है आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इस तरह का प्रोसेस फॉलो करके आप इजीली मीशो से कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप कि गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।